ये देखिए दोस्तों हमारी आज की रेसिपी चिकन स्टमक करी। देखिए मुंह में पानी आ रहा है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की रेसिपी चिकन स्टमक करी। चिकन स्टमक करी बनाने के लिए सबसे पहले हमने स्टमक को अच्छी तरह से धो लिया है। लगभग 500 ग्राम स्टमक है हमारे यहाँ पर। इसके साथ हम मिलाएंगे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, मस्टर्ड ऑयल, नमक और दही। ये सबको मैं पहले मिक्स कर लेता हूँ। सभी मसालों के साथ हमने इसको एक मिक्स दे दिया है। अब हम कढ़ाई में तेल को गरम करेंगे, उसके बाद बाकी का कच्चा मसाला आपको हम दिखा देते हैं। इसे मैरिनेट करके ज़्यादा देर तक रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा काफ़ी है। तेल हमारा गरम हो चुका है, हम इसमें थोड़ा सा शक्कर मिलाएंगे कलर के लिए, और इसी तेल पर हम इसमें डाल रहे हैं एक तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, दो इलायची और एक जयत्री का टुकड़ा। शक्कर जो था हमारा वो पूरा गल चुका है, ये देखिए पूरा गल गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक काटे हुए प्याज। प्याज हमारा ज़रा सा फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें बारीक कटा हुआ दो टमाटर जो हमने काटे थे वो मिला रहे हैं। इसी के साथ हम मिला देते हैं हरी मिर्च जो हमने बारीकी से ऐसे काट लिया था। इसमें जो मैरिनेटेड चिकन है, चिकन का स्टोमक, वो हम ऐड कर रहे हैं। शायद आपको पता है कि नहीं, ये मैं मुझे मालूम नहीं हो रहा है अभी। मैंने मैरिनेशन के वक्त जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इसमें ऐड किया था, नहीं बताया हो तो उसे आप याद कर लेना। हमने सभी मसाले और चिकन को इसमें मिला दिया। अब इसमें एक उबाल आना है। उबाल आने के बाद हम इसको लगातार ऐसे हिलाते रहेंगे जब तक के पूरा तेल इसमें से ना निकल आए। 10 मिनट हुए हैं और देखिए दही ने कितना पानी छोड़ा है। अब ये पानी पूरा सूखेगा तब जाके इसमें से तेल निकलेगा और तभी हमारा चिकन स्टमक करी रेडी होगा। चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है। 15 मिनट के बाद चिकन ने थोड़ा थोड़ा करके ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अभी इस कंडीशन में आप इसका नमक और मिर्च थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आप तीखा खाना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा मिर्च ऐड कीजिए, और नमक एक बार देख लीजिए और अपने स्वाद के हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कीजिए। 25 मिनट के बाद देखिए दोस्तों हमारे चिकन ने मैक्सिमम ऑयल छोड़ दिया है। अब थोड़ी ही देर में हम इसको कढ़ाई से निकाल लेंगे। 35 मिनट्स हुए हैं और अब देखिए हमारा चिकन स्टमक करी एकदम रेडी है। पूरा ऑयल इसने छोड़ दिया है, ये देख सकते हैं आप। अभी हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स में भी लिखना बनाने के बाद कैसा हुआ है। अगर अच्छा हुआ तो लाइक देना, खराब हुआ तो डिसलाइक देना।